हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो में हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विटामिन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज कैस्मियर फंक ने की थी और ये 1912 में की थी। सो आगे बढ़ते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम या फिर हम साइंटिफिक नेम्स ऑफ विटामिन भी कह सकते हैं। सो ये ट्रिक मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन आपके होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। अब ये जानते हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम क्या है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफिरोल कहते हैं और विटामिन के को फिलोक्विनोल। ओके, अब इसकी छोटी सी ट्रिक है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, रथ पर एक टोफी। इसमें पर जो आपका है वो साइलेंट है। रथ के र से आप रेटिनोल, थ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफिरोल, ट से टोकोफिरोल और फी से फिलोक्विनोन याद रख सकते हैं। आपको जैसे याद रहता है आप वैसे कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा संक्रमण का खतरा हो सकता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का रोग हो सकता है। ये जो विटामिन बी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके आगे फर्दर डिविजन्स हैं जो कि हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का रोग होता है। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो सकता है। विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का धब्बा ना बनना का रोग हो सकता है। ये विटामिन के इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का धब्बा नहीं बनता, तो उसका आंसर क्या होगा? विटामिन के। इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि हमें ये सभी विटामिन किस किस तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। तो विटामिन ए हमें गाजर, यकृत, हरी गोभी से प्राप्त होता है। आगे विटामिन बी। विटामिन बी हमें अंगूर, टमाटर, बादाम या अखरोट और दूध से भी मिलता है। विटामिन सी। विटामिन सी ये ज़्यादातर खट्टे पदार्थ या फिर अम्लों से मिलता है। ये सबसे इजी है याद करने के लिए। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी ये सूर्य और मछली के तेल से प्राप्त होता है। विटामिन ई। विटामिन ई बादाम, अखरोट, मूंगफली, सूरजमुखी के बीजों से प्राप्त होता है। विटामिन के। विटामिन के शलजम, अनार, पत्ता गोभी और हरा मटर इससे प्राप्त होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। पानी और बसा में घुलने वाले विटामिन, इन्हें याद करने का बेसिक तरीका है आप कीड़ा याद रख सकते हैं जो बसा में घुलते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों वसा में घुलनशील हैं और जो पानी में घुलनशील हैं वो हैं बी और सी। ये आपके लिए अलग से स्लाइड पे भी लिख दिया गया है, अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं।
आगे चलते हैं। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि विटामिन बी के आगे फर्दर पार्ट हैं, तो हमें इन्हें भी याद करना है क्योंकि इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विटामिन बी को हम B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 में बांटते हैं। अब हम इनके रासायनिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम्स जानेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनेमाइड कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक कहते हैं, विटामिन B6 को पाइरोडोक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है, विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विटामिन B12 को साइनो कोलामिन भी कहते हैं। ये कुछ मैंने साइड में स्लाइड दी हुई है, ये स्लाइड में ये बताया गया है कि कौन सा विटामिन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो विटामिन ए और बी को मैकुलम ने डिस्कवर किया था, विटामिन सी को होवकट ने डिस्कवर किया था और विटामिन डी को हॉपकिंस ने डिस्कवर किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।